नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सब, अगर कुछ लक्षण है आप लोगों में या किसी के आप लोग के रिलेटिव या किसी में भी है तो आप लोग इस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे कि अगर निमहंस हॉस्पिटल है बेंगलोर, जो एशिया का सबसे नंबर वन हॉस्पिटल है जो मानसिक रोगियों के लिए है। एक्चुअली ये हॉस्पिटल के बारे में किसी को पता नहीं है और ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मुझे आए दिन कॉल आते रहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 4-5 साल से मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इससे रिलेटेड। तो मैं सोचा क्यों ना लोगों की हेल्प किया जाए और मुझे अच्छा भी लग रहा है हेल्प कर कर। तो अगर यहाँ एक बेनिफिट है, आप कम पैसे में भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर जैसे कि पागलपन हुआ, थोड़ा होता ही है पागलपन, अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, एंजाइटी, घबराहट, बहुत ज़्यादा अगर घबराहट है, एंजाइटी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एंजाइटी मतलब आप लोगों को एकदम घबराहट। कुछ पेशेंट लोग मुझे कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा घबराहट है, मतलब टेंशन से दिमाग, सर फट जाता है। OCD में भी ऐसा होता है, सर एकदम फटने लगेगा, हाइपरटेंशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब अभी खुश हैं कुछ थोड़ी देर में दुख हो जाएंगे, अभी दुख हुए हैं फिर खुश हो जाएंगे, मतलब माइंड उनका चेंज होते रहेगा। कब क्या करेंगे कुछ, मतलब आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्या एक्टिविटी रहेगा, क्या एक्शन रहेगा उन लोगों का। बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब नॉर्मल सब में रहता है, मगर ये एक्सेसिव जब हो जाने से आपको पता भी नहीं चलेगा अभी अच्छा था। कभी होता है मजाक में आदमी बहुत भयंकर लड़ाई कर लेता है एक दूसरे से। ये डीप बाइपोलर मतलब तुरंत अपना मूड चेंज हो जाना, मूड स्विंग करना, OCD, सिजोफ्रेनिया, ये सब कुछ लक्षण है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये सब कॉमन लक्षण है जो पेशेंट को मतलब परेशान करते हैं। और इनका ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं हुआ, अगर उनका देखभाल नहीं हुआ सही से, अगर सही समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर बहुत मतलब भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि कुछ पेशेंट लोग मुझे कॉल कर रहे थे जो लोग 2-3 साल, 4-5 साल से अपना मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं अपने लोकल डॉक्टर से, सब कुछ से पता चला कि वो लोग को भी रिकमेंड किए हैं निमहांस जाने के लिए, बेंगलोर में जाने के लिए, कि आप एक बार वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा लें। क्योंकि उनके पास अब जैसे लोकल डॉक्टर वगैरह साइकेट्री रहते हैं, उनके पास ऐसा मतलब डिवाइस नहीं रहता है, उनका मतलब जो इक्विपमेंट है जिससे वो ठीक कर सकेंगे पेशेंट को, थेरापी वगैरह, इसके लिए वो हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कर्नाटका का, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि कम पैसे में, सिर्फ 20 रुपीज़ में आप लोग वहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और मेडिसिन भी बहुत कम कॉस्टली में वहाँ प्राप्त होती है। गवर्नमेंट का ही फंडेड दवाई का दुकान है। अगर आप लोग BPL हैं स्टेट गवर्नमेंट से, कर्नाटका गवर्नमेंट से, तो आप लोग को फ्री में मेडिसिन दिया जाएगा वहाँ पे। अगर कोई टेस्ट वगैरह हार्ट से रिलेटेड कुछ भी टेस्ट हो, न्यूरो, वहाँ पे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। अगर आपको स्पाइनल कोड से रिलेटेड इंजरी हो गया, अगर शरीर का कोई काम अंग काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस है, और भी डिफरेंट तरह का अगर बीमारी है, जैसे न्यूरोलॉजी से आपको सर्जरी कराना है, तो इससे रिलेटेड आप लोग कोई भी बड़े से बड़े बीमारी स्पेशल इसी चीज़ के लिए ये हॉस्पिटल है। और बहुत इजी प्रोसेस है, मैं ऑलरेडी अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ कैसे आपको जाना है, कैसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कहाँ पे रह सकते हैं, चीप रेट में आप लोग कहाँ रह सकते हैं, होटल के नाम भी मैं कुछ दिया हूँ, एड्रेस दिया हूँ, फ़ोन नंबर दिया हूँ, आप लोग आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। कम पैसे वाले भी मैं बताया हूँ, ज़्यादा पैसे में भी रह सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरह पहुँचना है हॉस्पिटल,
वो भी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। और अगर कोई भी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। फ़ोन नंबर मैं अपना दूँगा और मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको अदर वीडियो भी पता चल जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ, एक ही चीज़ को फिर मैं फ़ोन में बताऊँगा। आप एक बार वीडियो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर आप देख लीजिए सारा वीडियो, वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तब आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मगर आप लोग प्लीज़ लेट ना करें। अगर इस तरह का प्रॉब्लम, मैं बहुत सारे पेशेंट से बात कर चुका हूँ जो 4-5 साल से परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं सोचा क्यों ना हेल्प किया जाए। आप लोग प्लीज़ उनका देखभाल करें, इस तरह के पेशेंट को आप लोग वहाँ शीघ्र ही लेके जाएं निवास में, और उससे अच्छा ट्रीटमेंट मैं कह सकता हूँ पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ। तो हम लोग वीडियो को अंत करते हैं, इसके बाद मैं और भी वीडियो डालूंगा जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, और भी कुछ मुझे नया पता चलेगा या कुछ नया जानकारी होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग से विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग सिर्फ देख लेंगे, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ देख के ना निकलें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दें कि फिर से कोई अगर वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, अगर किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।